नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है फिर से एक और नया वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं डे टू डे लाइफ में जो भी एसेट, जो भी गैजेट मैं ऑर्डर करता हूँ, जो अपने लिए यूज़ करता हूँ, उसका मैं रिव्यू देता हूँ इस चैनल पे। तो आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे और इसका शॉर्ट रिव्यू करेंगे रेडमी 9 पावर को। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो बहुत ही जल्दी डिलीवर्ड होने वाला था, लेकिन कुछ उनका ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसके वजह से ये प्रोडक्ट फिर से वो नदिया में चला गया था। तो आज ही ये मुझे डिलीवर्ड किया गया है, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ पैकिंग किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइस आ गया है, एकदम सील पैक है, कंपनी सील यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उनका येलो कलर का स्टिकर भी लगा हुआ है, जिसका मतलब येलो कलर का मतलब होता है ये नया प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर होता है तो उसका मतलब होता है कि ये रिन्यूड है, मतलब कि कोई किसी ने पहले ऑर्डर किया था और उसे रिटर्न कर दिया कुछ इशू के लिए, उसके बाद उसका टेक्निकल चेक होता है, उसके बाद ये इन्वेंट्री में फिर से रखा जाता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई मार्किंग होता है, ये बारकोड लगा होता है, तो वो पहले किसी ने ऑर्डर कर लिया होगा, लेकिन टेक्निकल टीम उसे चेक करता है, तो आप डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो अगर सही हो तो। तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे, यहाँ पे बेसिक कुछ फीचर्स मेंशन किया हुआ है इस मोबाइल में। 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कोर कैमरा सेटअप दिया हो गया है, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 6 mAh इसका बैटरी है, फुल HD डिस्प्ले है डॉट नॉच के साथ, क्वालकॉम 662 इसका प्रोसेसर है और 8 मेगापिक्सल इसका सेल्फी कैमरा है, IR ब्लास्टर इसमें है, डुअल स्पीकर मिल जाता है इसमें, और इसमें सबसे अच्छी बात है टाइप सी सपोर्ट करता है और रिवर्स वायर चार्ज भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। तो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, और मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक ग्रीन वेरियंट वाला आया है, और इसका जो है स्टोरेज है 4GB और 64GB वाला ये वेरिएंट है। तो सील में यहां पे ब्रेक कर लेता हूं, तो सील ब्रेक हो चुका है अभी। बॉक्स में आपको, और बहुत ही अच्छी बात है कि 10,000 के अंदर आपको ये आपको सिलिकॉन केस भी प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट सा केस है, ठीक है, लेकिन यह केस बहुत दिन यूज़ करने के बाद रेडिस्ट हो जाता है, लाल कलर आ जाता है इसमें। तो ये रहा मोबाइल। तो पीछे यह पॉलीकार्बोनेट की फिनिशिंग है, प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन यहाँ पे ग्रिप दिया गया है बहुत सारा, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप घिसोगे तो एक आवाज़ आएगा सेटिस्फेक्शन वाला। तो ये है मोबाइल, और इसमें साइड में जो पावर बटन है, पावर बटन के साथ ही आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है। राइट साइड में ही वॉल्यूम बटन है, और पावर बटन यही वाला पावर बटन है, और यहाँ पे नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और माइक के लिए नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है। ऊपर की तरफ हेडफोन जैक है और IR ब्लास्टर है, और फिर से एक और स्पीकर की ये दिया गया है। तो बस इतना ही है बॉक्स में। यहाँ पे आपको सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है, और बाकी नीचे आपको यहाँ पे चार्जर आपको मिलता है, 80 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है, और स्टैंडर्ड यहाँ पे USB केबल दिया गया है, और जैसे कि Redmi USB केबल चार्जर का जिससे क्वालिटी होता है वैसा ही है। तो मोबाइल में ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मैं रिकमेंड तो करूँगा आप बाहर से दूसरा वाला लगवा लीजिए। तो यहाँ पे सिम स्लॉट आपको लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है, तो सिम स्लॉट में यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है दोनों सिम के साथ। तो चलिए पावर ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, और मैं अभी छत पे हूँ, तो शायद ये विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे MIUI 12 के साथ
इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल जो है सेटअप हो गया है। तो इस मोबाइल का कैमरा का इमेज का सैंपल मैं वीडियो की एंड में दे दूंगा, तो आप ज़रूर से देख लेना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।